तो आज हम एमसीक्यूज करेंगे और जो हमारा मेन टॉपिक है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसपैलिटीज है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है दैट इज डैश कंडक्ट्स इलेक्शन टू पंचायत्स एंड म्यूनिसपैलिटीज। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। हाँ जी, तो क्या इसका आंसर बनता है? सर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन सर कमीशन, सॉरी। इट इज अ स्टेट इलेक्शन कमीशन। एनीबॉडी एल्स? सर स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ जी ब्रह्मजोत, ठीक है सर। हाँ जी, इसका आंसर यही है जी, जो इसका आंसर सी पार्ट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत्स एंड म्यूनिसपैलिटीज, इट वुड बी इनकरेक्ट टू से सीट्स आर रिजर्व फॉर एस सी एस टी इन प्रोपोर्शन ऑफ देअर पॉपुलेशन एंड देन एट लीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन एंड आर रिजर्व फॉर वुमेन। रिजर्वेशन फॉर एस सी एस टी आर effective till 2010, unreserved seats cannot be contested by women. Which of them are incorrect? Sir, D option. D option seems to be extremely unusual. And note down the C as well. Reservation of SC/STs are effective till 2010. So, इसमें तो कोई most probably कोई जो है amendment आ गई होगी और ये अभी extend हो चुकी है। तो D is incorrect. There is no second opinion about this. Direct elections to all TAs of panchayats are held first after the 73rd amendment came into force in Dash. Second is the next, sir. Sir, B option, Rajasthan. So, इधर which direct elections to all tiers note करवा. Direct elections to all tiers of the panchayats were held first after the 73rd amendment came into force in मध्य प्रदेश। आप इसे नोट कीजिए। मोस्ट ऑफ द बुक्स मिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज जितना भी हम करते हैं उसमें यही आता है कि जो फर्स्ट पंचायत थी वो कहाँ पे थी, वो राजस्थान की नगौर थी 1959 में। ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज आफ्टर 73rd अमेंडमेंट केम टू फोर्स, मतलब कि आफ्टर 1993। और एक ऊपर एक और पॉइंट नोट कीजिए, डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल टीयर्स। सर लाइक इन दिस कितना सर तीन टीयर्स थी तो तीनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸਨੇ ਇਸਮੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹਮਸੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਆਲ ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕੇ ਜੋ ਸਭੀ ਜੋ ਤੀਨ ਟੀਅਰਸ ਹੈ ਉਨਮੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕਬ ਹੁਆ ਥਾ? नहीं, सॉरी, आफ्टर 73rd अमेंडमेंट लागू होने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद, डायरेक्ट इलेक्शंस टू ऑल टीयर्स ऑफ पंचायत्स वर हेल्ड फर्स्ट आफ्टर दिस केम इनटू फोर्स इन, मतलब कि तीनों टीयर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन 73rd अमेंडमेंट जो बिल बिल था ये इंप्लीमेंट सॉरी एक्ट था इंप्लीमेंट होने के बाद किस स्टेट में पहली बार हुआ? तो दिस इज इन मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स ये कब फोर्स में आए? 1993 बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन 1993।
नहीं इसमें ऐसे था, एक तो अप्रैल में फोर्स में आ गया था, दूसरा जून में आया था। जो हमारा जो म्यूनिसिपैलिटी वाला एक्ट था ये इट केम इनटू फोर्स इन जून, तो इसमें से जो हमारा फोर्थ में से दिस क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा मुझे अब एलैबोरेट करना पड़ेगा आपको। I will have to elaborate it a bit. तो जो हमारे पास 73rd था ये 1992 में और बाद में ये it came into force somewhere in April, 24th April 1993. और जो हमारा म्यूनिसिपैलिटीज वाला एक्ट था इट केम इनटू फोर्स समवेयर इन जून, तो 1st June 1983। तो अगर तू इस पार्ट में ये लिखता कि बोथ केम इनटू फोर्स इन 1983 तो ठीक था, तो इसने क्या लिखा बोथ केम इनटू फोर्स इन जून। जून में तो भाई म्यूनिसिपैलिटीज वाला आया, जो दूसरा था हमारे वाला अप्रैल पंचायती राज वाला अप्रैल 1983 था, तो दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। तो हैड टू बी रेटिफाइड बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, हैव नॉट बीन रेटिफाइड बाय द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ स्टेट्स, डी तो बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये, तो हमारे पास जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट्स हैं दे वर सेंट्रल लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, दे वर सेंट्रल लॉस, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट लिस्ट के ऊपर इसको लेजिस्लेट किया। तो इसमें क्या था, पहले तो ये पार्लियामेंट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया, देन इसको एक पार्लियामेंट के पास होने के बाद ये सभी जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के पास गया और उनको इसको रेटिफाई करना पड़ा, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 368 एक बार फिर से पढ़ लीजिए, तो ये क्वेश्चन एक इट्स ए नाइस क्वेश्चन। If the governor of a state is appointed administrator of a union territory, he exercises his function. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, you should be able to attempt it. Fifth question. On the advice of Council of Ministers, independently of Council of Ministers, according to Parliament's direction, on the directions of state legislature. So according to parliament directions, ne parliament UT ke case mein parliament ki interference nahi hoti. Actually he is administrator of union territory, to usko jo central government ne usko union territory ka matlab ke administrator bana rakha hai, wo executive power jo hai wo use karta hai. तो एग्जीक्यूटिव पावर वो अकॉर्डिंग टू लॉ करेगा विच हैव बीन पास बाय द पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट उसको सीधी डायरेक्शन नहीं देगी। तो ये सीधी सी बात है, ये एक यूटी के केस में जो एडमिनिस्ट्रेटर है गवर्नर ऑफ ए स्टेट, व्हेन ही एक्ट्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, व्हेन ही एक्ट्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, ही डज नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा और ऑफ पंजाब, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, यानी वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक बात और, पार्लियामेंट की डायरेक्शन से कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि पार्लियामेंट डायरेक्ट नहीं करती, पार्लियामेंट सिंपल लॉ मेकिंग करती है। तो सिक्स्थ, डैश वॉज नॉट प्रपोज टू बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर द पंचायती राज, लॉजिक 30% seats in all elected rural local bodies will be reserved for women. State will constitute finance commission to allocate resources to panchayati raj bodies. Elected functionaries would be disqualified to hold office if they have more than 2 children. Elections will be held in 6 months time if panchayati raj bodies are superseded or dissolved. And the 6th question. सर ए ऑप्शन 1/3 सीट रिजर्व होने 33 हुई है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए भी जो है दैट इज अंडर स्कैनर, इसके बिना
ਸਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ ਸੀ ਹੋਏਗਾ ਨੋਟ ਹੈ एक्चुअली इसमें ए भी है और सी भी है इसकी आंसर की जो इसने दी है उसमें इसने अकेला सी दिया सी तो सीधा ही दिखता है ना लेकिन ए इसने बड़ा स्टेल्थी मैनर में उसने वन थर्ड बोला एक्चुअली इट शुड बी 33.3% इन्हें का 30% नो मिनिमम बोला उन्होंने मिनिमम 33% ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन वन थर्ड जो सीट्स है ये वुमेन की रिजर्व होती हैं तो ही इज टॉकिंग अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो सभी ऑल इलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज 30% से ही ये गलत हो जाता है बेसिकली तो ए वॉज नॉट प्रपोज 30% इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि इसने हमेशा हाँ बोलिए 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 देखो मैं गल दसा इवन जो ए टाइपिंग एरर भी हो सकती है पर जेड़ा एक साड़े को ले उन्ना ने क्लियर कट द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द सीट फॉर वुमेन वन थर्ड कम्स आउट टू बी 33% ठीक है तो उस केस में मतलब कि ये थोड़ा सा जिसे हम बोलते हैं कि इट बिकम्स डाउटफुल तो जो हमारे पास ऑप्शन सी और ए ये दोनों ही देवर नॉट प्रपोज मतलब कि जो हमारे पास ए है दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दैट फिगर ऑफ 30% ठीक है एग्जैक्ट फिगर इज 33.33% एंड द नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन तो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है नो सर डी ऑप्शन चेयरमैन ऑफ जिला परिषद सेवंथ में कोई और ऑप्शन किसी को लग रहा हो नो सर इट्स डी ऑप्शन सेवंथ की पंचायती राज फॉर्म द रूरल लोकल गवर्नमेंट वॉज अडॉप्टेड फर्स्ट बाय सर राजस्थान आंध्र प्रदेश सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन सर मैं ना किसी जगह पढ़िया सी कि जिदा अडोप्ट ता पहला राजस्थान ने की सी बट जिदा ना इंप्लीमेंटेशन हुई सी ना पहला आंध्र प्रदेश के अंदर हुई थी एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्ट जो आपने बोला वो वैसे ही है अडोप्ट पहले कर लिया था इसने आंध्र वालों ने पहले उसे इंप्लीमेंट कर दिया था अडोप्ट बाद में किया था और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था कुछ डेज या मंथ्स का ही फर्क था अडॉप्शन में द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड अडॉप्ट देम विद सच पावर्स एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बोलिए ये किस पार्ट का हिस्सा है सर बी ऑप्शन बी पार्ट फिफ्थ हाँ जी एनीबॉडी एल्स सर पार्ट फोर्थ सर पार्ट फोर है पार्ट फोर है क्या व्हाट इज पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या आता है पार्ट थ्री में क्या आता है सर पार्ट थ्री के अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट फोर के अंदर डीपीएसपी आते हैं 36-51 एग्जैक्टली द आर्टिकल 40 जो आपके नाइन्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल 40 Part 4 of the Constitution. 4A kya hai? These are the fundamental duties. Which of the following is not correct about a cantonment board? 10th question.
ਸਰ ਇਹਦਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੋ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਐਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ इट इज क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट इसके लिए एक्ट होता है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या आप बोलिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री उसको पास करती है ठीक है तो इसके एग्जैक्ट वर्डिंग आप चेक कर लेना ठीक है तो एक कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायती राज वॉज चेयर्ड बाय बी ऑप्शन है अशोक मेहता Anybody else? Sir B, Ashok Mehta. Harjot, ki option hai di? Sir Ashok Mehta Committee. Definitely Ashok Mehta Committee. Aur mujhe jaldi se batao, Ashok Mehta Committee ne 3-tier structure propose kiya tha, 2-tier ya 4-tier? Sir 3-tier. Sir 3-tier. No, 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 Ashok Mehta. Sir 2-tier. लोकल बॉडी ऑफ ट्रांजिशनल एरिया इज नोन एज सर क्वेश्चन मिस हो गए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये ऑप्शन यही ठीक है जी नगर पंचायत नगर पंचायत ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡਤੇ ਸਰ ਦੇਖੋ 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂ 12ਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਫ ਏ ਪੰਚਾਇਤ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਡ ਵਿਦ ਇਨ 6 ਮੰਥਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 6 ਮੰਥਸ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਨਸਰਨਡ ਵਿਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵੀਕੇਆਰਪੀ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ऑप्शन डी संथानम कमेटी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए वैसे तो दोनों ही बाहर आती हैं क्योंकि वी के आर वी राव कमेटी जो है ये अर्बन गवर्नमेंट के साथ है अगर इसने क्वेश्चन में पूछा होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो आंसर था ए संथानम कमेटी संथानम कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर और सीबीसी और सीबीआई संथानम कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन द इश्यू ऑफ करप्शन ठीक है तो ये बड़ी फेमस कमेटी है और इस कमेटी से ओरिजिनेट हुआ था विजिलेंस कमीशन और विजिलेंस ब्यूरो लेकिन इसने क्वेश्चन बोला पंचायती राज और जो म्युनिसिपैलिटीज है इनके सेपरेट एक्ट्स हैं पंचायती राज रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को डील करती है इसलिए इसका आंसर ए के साथ सी भी हो जाता है एक मिनट थोड़ा सा हम वेट कर लें मे बी के इसका आंसर ए ही हो क्योंकि राव कमेटी कोई ना कोई बैठी हुई है हमारे पास सर अंदर हाँ बिल्कुल जो जीबी के राव कमेटी जो है हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो जीबी के राव कमेटी देर इज ए मिस प्रिंटिंग डी जो ऑप्शन है वो बनती नहीं है क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ये कमेटी जो थी राजीव गांधी ने 1985 में बनाई थी जिसने एक फेमस स्टेटमेंट दी थी ग्रास विदाउट रूट्स ग्रास विदाउट रूट्स तो ये इसकी एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है और अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास इस नाम की कोई कमेटी
नहीं है। तो हमें अभी ये जो राव कमेटी है इट विल बी इंक्लूडेड इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बिकॉज इसने एक स्टेटमेंट दी थी जिसकी बड़ी फेमस स्टेटमेंट है। सो द कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ये इसका रेफरेंस था। और तो 1985 में ये बनी थी और इस इन्होंने इनकी फेमस स्टेटमेंट्स है वो डेवलपमेंट प्रोसेस वॉज ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज्ड, जो डेवलपमेंट प्रोसेस था ये समय के साथ इसमें ब्यूरोक्रेसी ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया और ये डेवलपमेंट प्रोसेस वॉज डाइवोर्स फ्रॉम पंचायत, पंचायत से इसका तलाक हो गया, मतलब के सेपरेट हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है कि ग्रास विदाउट रूट्स। तो जो हमारे पास राव कमेटी है इट फॉल्स इन पंचायती राज, इट इज ओनली संथानम कमेटी। तो ये जो ऐसे मैं जो ये क्वेश्चन जो हमने अभी किए है ना डिस्कस, ये जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तभी आपकी नॉलेज का लेवल डीप जाता है। तो ये हमने ये क्वेश्चन तो कर लिया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो अब came into being in so C option है 1999 चाहिए थी तेरे। बिल्कुल, the system of panchayati raj involves village blocks and district level, village and state levels, village state and union levels। बोलिए जी 16th का आंसर क्या है, very easy question sir। प्लॉजिबल ए ही हो सकता है क्योंकि स्टेट लेवल भी नहीं होता, यूनियन मतलब के प्लॉजिबल आंसर इज ए, द पंचायती राज इन्वॉल्व्स द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। विलेज कॉमा डालना चाहिए था इसको, विलेज कॉमा ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। तो नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, द प्राइमरी एम ऑफ द पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इज टू वर्क फॉर रूरल डेवलपमेंट, ए ऑप्शन तो आपकी ऑप्शन ओरिजिन्स टू अराउज इन द पीपल, कंटीन्यूअस इंटरेस्ट इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन एक्सटेंशन प्रोग्राम। हां जी बोलिए 17 सर, ए ऑप्शन से ए तो सर सारा कुछ ही आ जाएगा। प्राइमरी एम ऑफ द पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इज टू वर्क फॉर रूरल डेवलपमेंट to arouse the people's continuous interest in the community development program। Why not A? No, A is the best option। तो हम यहाँ पे अकेला इंटरेस्ट थोड़ा राउज कर रहे हैं क्योंकि जो एग्जीक्यूशन का काम है नीचे जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम है वो तो हमने ब्लॉक लेवल पे एग्जीक्यूशन दे रखी है और जो हमारा गांव लेवल है उसमें छोटे मोटे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन दे रखी है। तो इट इज नॉट द इंटरेस्ट ओनली, एग्जीक्यूशन भी है, प्लानिंग पार्ट भी है, फीडबैक भी है। ऑप्शन ए इज देयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड सी इज रॉन्ग। आंसर की मुझे नहीं लगता है आंसर की गलत है इस क्वेश्चन के मामले में। नेक्स्ट इज द लोएस्ट यूनिट इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज, बोलिए ग्राम सभा। यूनिट पूछा बच्चे, यूनिट तीन यूनिट है हमारे पास, टॉप लेवल पे जिला परिषद और उसके बाद
पंचायत समिति और विलेज पंचायत इज द थर्ड यूनिट, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। विलेज पंचायत को इलेक्ट करने वाला जो पार्ट है वो ग्राम सभा है। ग्राम सभा एक बार विलेज पंचायत का इलेक्शन करने के बाद कंपैरेटिवली डोरमेंट स्टेट पे आ जाती है, एक्टिव विलेज पंचायत। इसकी ऑप्शन ये है, तो इसमें ये ठीक है। द कमिटी ऑन हूज रिकमेंडेशन पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री वॉज हेडेड बाय, बहुत बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। So this is 1960. When was the Panchayati Raj introduced in India? Very easy. 1959. And anybody else? Sir, 52. No, no, no. 52 कैसे आ जाएगा भाई? 57 में तो बलवंत राय मेहता कमेटी बैठी है। Sir, 62. No, not. No, not at yeah. all. 1957 रिपोर्ट कर दिया था और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये सारा कुछ जो 57 और 58 में हो गया था और 59 में इसको सीधा एग्जीक्यूशन में इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पंचायत, बोलिए। तो बी ऑप्शन टाउन, टाउन एरिया समेत कमेटी। तो इसमें टाउन एरिया कमेटी ही मुझे लगता है। दिस इज 21 पार्ट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। आप एग्जैक्टली, टाउन एरिया कमेटी इज ए पार्ट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। तो किसी और की ओपिनियन कोई हो और हो तो बता दीजिए मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यही ठीक है। The original scheme of Panchayati Raj introduced in 1959 operates as, बोलिए जी। डी ऑप्शन, जिला परिषद, पंचायत समिति, विलेज पंचायत। यस सर, डी ऑप्शन। तो फर्स्ट में क्या गलती है? इन्होंने लिख रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो जिला परिषद, पंचायत समिति और विलेज पंचायत ही है। बिल्कुल, हुई सून एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। A person to be qualified for standing in a panchayat election must have attained the age of 21 years, sir. कौन सी ऑप्शन? 24th की? ये ऑप्शन सर। ये ऑप्शन 21 years. Yes, sir. One of the advantages of panchayati raj is that of providing a parallel government in rural areas, of serving the rural people well, of increasing the employment opportunity in rural area, giving a sense of political awareness to rural area. Boliye ji. 25. Sir, A of providing. B option, sir, mere according. Sir, A ho sakdi hai, kyunki sir, agar assi B ya सी देखिए तो सर ये तो फिर जिदा जी स्कीम आती है जिदा नरेगा वगैरह उन्होंने भी यही होंगे एम तो बेसिकली ए बन रहा है इस हिसाब से। नहीं, पैरल गवर्नमेंट तो यही होंगे बच्चे जी, जो दो गवर्नमेंट्स पैरल हो, ठीक है ना? तो ये तो पंचायती राज के विलेज लैवल के उत्ते वी हैव गॉट विलेज पंचायत दैट गवर्नस, जो आप कहिए ब्लॉक लैवल के उत्ते इट इज द पंचायत समिति और मतलब जिला जिला परिषद, ठीक है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ पंचायती राज इज,
एक्चुअली इनमें से कोई भी वैलिड ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से सबसे कम गलत वाली ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी. पैरेलल गवर्नमेंट इज रॉन्ग, सर्विंग द रूरल पीपल वेल इसका कोई कारण बन सकता है. ऑफ इन लेकिन इट्स वन पार्ट ऑफ दिस, सी इज वन पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ उन्होंने जो गांव की जो और भी कई एस्पेक्ट्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज जस्ट वन एस्पेक्ट. गिविंग ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस टू रूरल मासेस, फिर ये भी उतनी नीचे आ जाएगा बी ऑप्शन दे, जिवे मतलब ये चीजें मेरे अकॉर्डिंग डी ते डी दे विच कंपटीशन है थोड़ा जा. तो वैसे मैं तो दसा मेरी पर्सनल ओपिनियन दे विच पॉलिटिकल अवेयरनेस तो है ही नहीं है ऑब्जेक्टिव. बी बंदा पर इन्हें ऑप्शन के पर्ची में डी दे रखा है. आंसर की है जी डी है, एक्चुअली इट्स आंसर इज बी. पॉलिटिकल अवेयरनेस तो बनता नहीं है. सर जिदा तुसी दस्या उस दे हिसाब नाल तो फिर बी ही बिल्कुल सही बन रहा है. बी बी ऑफ सर्विंग रूरल पीपल वेल. द नेक्स्ट 26 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया गेट देयर फंड्स मेनली फ्रॉम 26 सर डी. एनीबॉडी एल्स? डी डी ही है. वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी नहीं होती, प्रॉपर्टी टैक्स भी आमतौर पर इन्ना नहीं होता, लोकल टैक्सेस नहीं लगाता कोई भी, जो लगा भी देते तो इन्ना मनी जनरेट नहीं होगा. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज सर? गवर्नमेंट ग्रांट. डी ऑप्शन सर. टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मेक पीपल पॉलिटिकली कॉन्शियस, टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो 27 का आंसर तो क्लियर है जी. 27th में इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है. न्याय पंचायत आर एक्सपेक्टेड टू 28th का. सर डी. हाँ डी. तुसी ना जो तो आंसर देना होंदा उदो ही अनम्यूट करा करो, पिछो ना कितों कोई बच्चे की आवाज आ रही है किसी की. हाँ जी सर, सॉरी. तो नेक्स्ट इज न्याय पंचायत आर एक्सपेक्टेड टू डील विद. की आंसर है जी एदा 28th का? बी ऑप्शन. Deal with all crimes गलत है. Serious crimes they are dealt by the courts. सर मेरे को B option. कौन सी option? B. D is the main option. D crime petty जो छोटे मोटे cases हैं, जो minor offences वाले cases हैं, ये न्याय पंचायत try करती है. जो ऊपर वाले ऑप्शन है ना, सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू पर्सुएशन, ये ना एक एडीआर होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, उसमें आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश न्यू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? न्यू वर्ड नोट कीजिए. आंध्र प्रदेश. Which of the following state was first to establish the new Panchayati Raj institution? This is 29. अब ये new किसको refer कर रहा है, इसमें एक बड़ी दिक्कत वाली. First to establish the new Panchayati Raj institution, पहली बलवंत राय कमेटी के बाद तो establish करने का काम राजस्थान ने किया था, और जो उसके बाद हमने अभी एक केस किया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद मध्य प्रदेश ने किया था. तो ऑप्शन इज ए 29th की ऑप्शन है 30th. इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्टेट एंजॉइंड टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन?
sir b option sir director principal you are absolutely right which of the following is not one of the sources of the revenue of gram panchayats very easy answer sir b house tax anybody else sir b te c de andar confusion ho rahi hai income tax हमारे पास जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको लगता है और दूसरा इनकम टैक्स और इसके आगे पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट सर डी ऑप्शन डी ऑप्शन सर एग्जैक्टली और ऐसे आप एक बात याद रखिए सरपंच वेदर टू इलेक्ट सरपंच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस कॉल हैज टू बी गिवन बाय स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट लेजिस्लेचर ना बोलो स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट ने थ्रू एन एक्ट जैसे पंजाब में एक बार इसका सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया था फिर बाद में इनडायरेक्ट कर दिया था तो गवर्नमेंट कैन चेंज एट इट्स ओन विल द मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ सरपंच तो इसने जो चेयरमैन जो है सरपंच एंड चेयरमैन चेयरमैन आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड जो हमारे पास सरपंच को छोड़ के जो ऊपर वाले समिति और जो हमारे पास जिला परिषद है ये इनमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो 33rd ये पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इज बोलिए जरा 33rd सर इन द बी ऑप्शन सर एडमिनिस्ट्रेटिव लग रहा है कि सुपरवाइजर एडवाइज भी तो जिला परिषद करेगा ऊपर बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री विद यू वैसे ही शुड हैव रिटन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव आना चाहिए था सर सही है तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं होती है नेक्स्ट इज हु हैज रिप्रेजेंटेड हु हैज रिप्रेजेंटेशन ऑन जिला परिषद लिखिए जी कौन से ऑप्शन द्वारा बोलिए फिर ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल क्योंकि देखिए वुमेन और एससी एसटी की तो रिजर्वेशन है दोनों है सी के बारे में किसी को कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन ऑल ऑफ अबव विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि अगर ए और बी दोनों है तो ये दोनों आंसर तो ऑल ऑफ अबव में ही आते हैं तो पंचायती राज इज द फंक्शनिंग ऑफ विलेज रिपब्लिक्स इन डेमोक्रेसी द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस इन इंडिया ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट ए हायरार्किकल सेटअप फॉर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए 35th का क्या आंसर होगा सर इसका है सी होगा अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस विलेजर्स इन इंडिया देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 3 tier आते हैं सर हायरार्किकल क्यों नहीं हो सकता मतलब ये हायरार्किकल इज करेक्ट लेकिन उसमें अगर गवर्नमेंट लिखा होता ना इसने एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन इज द जॉब ऑफ ऑफिसर्स ठीक है ना तो हायरार्किकल सेटअप यहां तक तो ये ठीक था फॉर रूरल
रूरल भी ठीक था, अगर रूरल गवर्नमेंट बोल देता या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोल देता दैट कुड हैव बीन बेटर, लेकिन पंचायती राज हम बिल्कुल ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट, कॉम्प्लेक्स हालांकि जस्टिफाइड नहीं लगता लेकिन एंड में जो गवर्नमेंट है ना, क्योंकि थ्री टीयर होने के कारण हम इसे कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं, तो वी क्यों गलत है? द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस विलेजर्स इन इंडिया, फंक्शनिंग ऑफ विलेज रिपब्लिक्स इन ए डेमोक्रेसी, ये तो इसको उड़ा देती है, ठीक है। ये इसका वन एस्पेक्ट लेता है, विलेज रिपब्लिक्स का मतलब ये है कि ऊपर इनकी जो लिंकिंग के बारे में ये साइलेंट हो जाता है, जो इसकी लिंकिंग पंचायत समिति के पास है या मतलब के जिला परिषद के साथ है। तो अब जो है बी और सी, सी सर बी हो नहीं सकता क्योंकि सर सेल्फ गवर्नमेंट सी नु कह नहीं सकते क्योंकि ये किसी ना किसी तरह का स्टेट गवर्नमेंट जिससे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो बी भी कट हो जाता है इस सब में। लोकल वर्ड आ जाना फिर सानू चक्कर पै जाना सी। तो सेल्फ गवर्नमेंट अकेली विलेजेस इन इंडिया, लोकल आना चाहिए था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो हमारे पास रूरल जो सी, सी में थोड़ा सा जो डाउट क्रिएट करता है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जस्टिफाई इससे हो जाता है क्योंकि इसमें थ्री टीयर स्ट्रक्चर है, फिर उसमें इलेक्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, रिजर्वेशन कैसे है, कौन सी फंक्शंस किसने परफॉर्म करनी है, तो डेफिनेटली इट्स ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो सी ऑप्शन, बलवंत राय मेहता कमेटी सेटअप इन 1956 बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ, ये मैंने आपको बोला कि बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर दीजिए। सर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। एनीबॉडी एल्स? एक तो इसने 56 गलत डाल रखा है, ये 57 में एनडीसी भी इसने गलत डाल रखा है, क्वेश्चन में दो गलतियां हैं। तो इसका आंसर मैं आपको अभी बताता हूं, जो पहली विलेजेस या हमारे लोकल लोकल लेवल पे डेवलपमेंट पीपल्स पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए नेहरू जी ने अमेरिका का सिस्टम फॉलो किया था। अमेरिका में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स होते हैं और साथ में नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ये दोनों इंडिपेंडेंस के बाद शुरू कर दी थी। इनकी इन्होंने कैसे 10 साल में काम किया है, तो उसके लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था और उसने 1957 में ही रिपोर्ट दे दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो ऊपर वाली सभी ऑप्शन है ये गलत है। तो 36 का डी है। हु वॉज जनरली द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, हु आर जनरली द मेंबर ऑफ ग्राम सभा? सर बी ऑप्शन, ऑल द वोटर्स इन द रिस्पेक्टिव विलेजेस। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? वैसे आंसर इज क्वाइट क्लियर। पहला गलत इसलिए है क्योंकि फैमिली के हेड्स अकेले इसमें चूज किए हैं, और दूसरा उसमें अडल्ट मेल्स फीमेल्स की पार्टिसिपेशन भी है, नॉमिनेटेड मेंबर भी सीधा नॉकआउट हो जाता है। तो ऑल द वोटर्स इन द रिस्पेक्टिव विलेज, आंसर इज बी। लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैन लेवी टैक्सेस विद प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कैन लेवी ऑल टैक्सेस, प्रपोज्ड टैक्सेस टू द स्टेट गवर्नमेंट, कैन लेवी टैक्सेस, ये इसकी 38 की ऑप्शन है।
which of them is correct? Sir, A option. No, A is wrong. Sir, D option. Anybody else? Sir, D option. D is correct. B और D में क्या अंतर है? Can you find the difference between B and D? सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸਿਸ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਟੂ ਇੰਪੋਜ਼ ਟੈਕਸਿਸ ਇਹ ਕੌਨ ਸਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 243 ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ इसके आगे बताइए कौन सा है फिर एच 243H और जो हमारे पास म्युनिसिपैलिटी है उनमें कौन सा है 243 आगे आएगा फिर उनमें से है एक्स हाँ बिल्कुल 243X Next is, in the three-tier Panchayati Raj structure, the block is? D option. Intermediate. D structure. The block is? Sir, intermediate restructure. Bilkul intermediate hi hoga. Let me check. 39. Theek hai, intermediate. The member of panchayats are 40th. The member of panchayats are option are in front of you, nominated by the district officer, elected by the people, nominated by local self-government and minister of the state, nominated by block development organization. Boliye ji. Very easy answer. Ab tak to bol dena chahiye tha aapko. The members of panchayat are, they are elected by Gram Sabha. Gram Sabha mein kaun aate hain? All adult voters of the village. So answer is 40th B. ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ 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 ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪੰਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਕੁਇਕਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਸਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 40 ਦਾ ਏ ਇਸ ਕਰੈਕਟ Which of the following state has no panchayati institutions? Sir, land. A option. At all. B. Kerala mein hai, Assam mein hai, Tripura mein hai, B. The panchayati raj institutions depend for funds mainly on Grants and aids from central government. From central government, जिधे ये इधर थोड़ी जी टिकलेस टर्म आ गई, बाकी ऑप्शंस एक बारी रिव्यू करो. The local taxes. No. Sir, government finances. Yes, that is the best option. क्योंकि government can be center or state. ठीक है ना दिस वर्ड गवर्नमेंट इंक्लूड सेंटर एज वेल एज स्टेट वैसे वैसे जे एक इनडायरेक्टली है कि
प्रिडोमिनेंटली मनरेगा के अंडर ही पैसा आता है. मनरेगा के अंडर जो पैसा आता है दैट इज डाइवर्टेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इट कम्स टू इट इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स. लेकिन अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, तो दोनों गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं. तो जो आंसर डी है इट इज पार्शियली करेक्ट बट नॉट कंप्लीटली करेक्ट. मेनली उस वैसे तो उसने वर्ड मेनली यूज किया, तो मेनली जो वर्ड है तो इसके हिसाब से हमारे पास वी जस्ट गवर्नमेंट फाइनेंसेस सीम्स टू बी बेटर ऑप्शन. 44 इन द न्यू पंचायती राज बिल एनेक्टेड इन 1993 देयर आर सेवरल फ्रेश प्रोविजंस deviating from the past. Which one of the following is not such provision? Hanji. 44th. D option. Hanji. 44th. Which option? Harjot. D option lag rahe. Kaun si option? Dohra boliye. Last one. Yes. Last wali. That seems to be correct. लेकिन एक बार ऊपर वाली सभी ऑप्शंस को देख लो. द नंबर ऑफ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट प्राइमरी एजुकेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री अमंग अदर्स इट सीम्स टू बी करेक्ट. इलेक्शन बीइंग मेड मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट एट द टाइम दे आर ड्यू करेक्ट. ए स्टैट्यूटरी रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन पंचायत अप टू द वन थर्ड ऑफ द स्ट्रेंथ. This is also correct. And regular remuneration to the panchayati members, salary panchayati members ki koi fix nahi hui hai. For successful functioning, panchayati raj needs the cooperation of 45th. The local people. बिल्कुल सी द लोकल पीपल. वैसे तो ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए लेकिन ज्यादातर हम टिक किसे सी ही करेंगे. व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन पंचायती राज सेटअप. वेरी इजी सिस्टम सर. बिल्कुल बिल्कुल. 47 सी आंसर इज सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. Sir, B option. Sir, B, 30% of the seats in local bodies are reserved for women. बी के ऊपर हम कल विचार करेंगे दोबारा एक बार. सर ए लग रहा है. सर क्योंकि बी का सर जिदा 30% वाला साबित ठीक ही बैठेगा. ए हो सकता है क्योंकि सर इन्होंने बोलिया नोट एन इंडिपेंडेंट टायर इन अ फेडरल सिस्टम. टाइम लाइन इज थ्री नॉट इज एन इंडिपेंडेंट टायर बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया. 6 मंथ्स के बाद इसका इलेक्शन होता है और जैसे पावर ऑफ डिवीजन सेंट्रल और स्टेट में है वैसे इन्होंने नीचे भी कर रखी है. तो जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में जो 30% के कारण मुझे इनकरेक्ट लगता है ये, क्योंकि उन्होंने 1/3 लिखा है तो 1/3 इज नॉट द 30%. तो 47th में जो हमारे पास इसने आंसर दिया है ए ऑप्शन इज करेक्ट लेकिन उसके साथ बी सीम्स टू बी इनकरेक्ट. बी के ऊपर हम बार बार क्योंकि ना एक बार आगल टेक इसको आप एक बार पढ़ के आना. इसको इस स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो सभी जो नोट्स हैं ये आपको कॉपी कर दिए पीडीएफ फाइल में. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. क्वाइट इजी
Which of the following is the main source of income of municipal committee? Excise duty, sir. Excise duty da na ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਟ੍ਰੋਏ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਆਕਟ੍ਰੋਏ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਸਰ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਭਾਸੋ ਚੁੰਗੀ ਫਲਾਣੀ ਚੁੰਗੀ ਫਲਾਣੀ ਚੁੰਗੀ ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੇ ਐਂਟਰ ਕਰਤਾ ਥਾ ਨਾ किसी भी शहर में उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाते थे और दैट वाज द मेन सोर्स और ये जो ना जब हमारे पंजाब में एक कल्चर स्टार्ट हुआ था कि फार्मर्स की इलेक्ट्रिसिटी फ्री है जी सभी कुछ फ्री दे दो अगर आप भाई सभी कुछ फ्री दे दोगे तो स्टेट की इनकम कहाँ से आएगी तो उसी चक्कर में जो शहर वालों को खुश करने के लिए जो हमारे पास ट्रेडिंग लॉबी थी उसको फार्मर लॉबी को खुश करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी ट्रेडिंग लॉबी को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया ऑक्ट्रॉय ड्यूटी उड़ा दी तो अगर आपके पास फंड्स नहीं होंगे तो आप गवर्नेंस क्या करोगे भाई किसी भी काम के लिए चाणक्य के कहने के हिसाब के अनुसार द रेंज ऑफ द ड्यूटीज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म डिपेंड्स ऑन द फाइनेंसेस भाई ये फाइनेंसिस के ऊपर ही डिपेंड करता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फाइनेंसिस और अब इसके आगे Next question. Which one of the following statement regarding local government in India has been wrongly listed? Sir B. मेरे हिसाब से बी भी गलत है और जो सी भी गलत है फाइनेंसिस टू लोकल गवर्नमेंट आर प्रोवाइडेड बाय कमीशन नो दिस इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन जस्ट मेक्स रिकमेंडेशन और असर्टेन्स द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ फाइनेंसिस बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट्स वो सिर्फ रिकमेंडेशन देता है पैसा नहीं देता पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट देगी या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तो बी और सी बी को मैं गलत मानता हूं बिकॉज ऑफ 30% सर मेरा एक डाउट सी हां जी सर जिदा हुन होया लाइक मेनू एक कंफर्म नहीं है कि मोस्टली स्टेट ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਮਨ ਲਈ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ये पता की होंगे बच्चे इट्स मैं थोड़ा दसदा तुसी मेरे तो सारा कुछ पढ़ोगे ना मतलब कि 99% ऑफ चलो मैं हम इट्स रॉन्ग टू क्लेम सारी गल छोड़ो मैं थोड़ा पॉइंट ते आना सीधा तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज ये इसने जो मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक भी कुछ लोग नॉन सीरियसली बना देते हैं तो मैं आपको देखिए The Act provides for the reservation of not less than one third. So, ये B statement insert कर रहा है, which is absolutely wrong. Not less than one third. One third is the minimum. It can be 50%. और आजकल जो मैं आपको recently बात बताता हूँ कि पंचायती राज institutions में जो गांव में जो उनकी जो meetings होती हैं meetings में पहले तो ये था जब देखिए government जब कोई भी काम करती है तो status quo लोग होते हैं उनको को नया काम करने के लिए बोला जाता है तो वो सभी उसको oppose करते हैं जब 50% women की या 33% से ऊपर
रिजर्वेशन की पंजाब में आई थिंक इट इज 50% 50% रिजर्वेशन वुमेन की आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में कर दी, तो गांव में सभी लोग बोल रहे थे कि इनके हस्बैंड्स हैं वो एज ए सरपंच एक्ट करेंगे और जो लेडीज हैं ये तो पपेट होगी। शुरू में ऐसा हुआ लेकिन पिछले ये 94 से लेके पिछले उस समय जो लोग इसको अपोज कर रहे थे वो ये परसीव कर रहे थे कि लेवल ऑफ एजुकेशन विल नॉट इम्प्रूव। जैसे एजुकेशन हमारे ग्रासरूट लेवल पे परकोलेट डाउन कर रही है तो क्या हो रहा है, विमेन दे आर आस्किंग मोर क्वेश्चंस। तो आज कल ऐसी मीटिंग्स हैं जहां पे हस्बैंड वाइफ मीटिंग्स में आते हैं और हस्बैंड ट्राई टू स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ हिज वाइफ, पर्टिकुलरली सरपंच, सरपंच लेडी है उसका हस्बैंड पब्लिक डीलिंग करता है और मतलब कि वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन वाइफ उसकी बात को काटते हैं कि लेट मी स्पीक। इसकी पॉजिटिव बात यह है कि जब हस्बैंड सरपंच होता था तो वाइफ वॉज नॉट दैट मच एक्टिव, आज अगर वाइफ सरपंच होती है तो उसका हस्बैंड सोशल डीलिंग करता है। तो हमें डी फैक्टो दो बंदे काम करने के लिए मिल जाते हैं एंड दे कैन वर्क इन ए बेटर फैशन। तो नेक्स्ट 51, तो ये लाइन गलत डाल रखी है इसने, विच इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन पंचायती राज सेटअप। ये आसान है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, 51st जल्दी इसे टिक कीजिए। सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन। किसी को ऐसा लगता है कि सी ऑप्शन गलत है? किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि सी इज रॉन्ग? Now, 52nd. Which one of the following is not proposed by the 73rd constitutional amendment in the area of Panchayati Raj? Sir, har jagah 30% likha hua hai seats, matlab women waste. Isne copy cut paste kar rakha hai yaar. Isne copy cut paste kar rakha hai. तो आप ए ऑप्शन को तो 30% सीट्स इन ऑल इलेक्टेड लोकल रूरल लोकल बॉडीज विल बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स एट ऑल लेवल्स। सर सी ऑप्शन देखो एक और, सी द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इलेक्टेड फंक्शंस विल बी डिस्क्वालीफाइड। सी है सर, सी ऑप्शन है सर, सेम पहला क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सी ऑप्शन। ए भी इसमें गलत है, ए और सी दोनों गलत हैं। आप ऐसे लगा लीजिए, ए भी इसमें गलत है। और इसके आगे इन्होंने 53rd द बलवंतराय मेहता कॉमिटी रिकमेंडेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंचायती राज स्ट्रक्चर्स। बोलिए जी कौन सा रिकमेंड किया था, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल ओनली। ये तो गलत हो गया भाई। सर सी ऑप्शन, सी पंचायत समिति ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। एग्जैक्टली जी आंसर इज सी 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमिटी ऑन पंचायती राज। सर बी ऑप्शन। हां जी सर, उन्होंने सर कौन सा किया सी, बी ऑप्शन सर, डी बी के डी रिकमेंडेशन नहीं थी, यही इसने पूछा, इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन। द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत शैल बी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 55। इलेक्शन सर रिजल्ट, सी ऑप्शन सर, डी सर, डी सर, डी ऑप्शन डी। नो डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। फर्स्ट मीटिंग 55 का ए है, 243E में ये लिखा है एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्वड और बाय एनी टाइम ऑफ दिस, ये कौन सा क्वेश्चन था 55।
under any law for the time being shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting. First meeting से ticklish question है 56th. The Parliament of India passed the Panchayat Extension to Scheduled Areas Law, popularly known as PISA Law. Which one of the following statements regarding PISA Law is not correct? बोलिए. Panchayat Extension to Scheduled Area, PISA Law is this. Panchayat Extension to Scheduled Area. सर बी ऑप्शन. बी ऑप्शन हैगा ग्राम सभा वाला सर डिसेंट पावर. बिल्कुल 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 बी ऑप्शन 57. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रपोज्ड इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन एरिया ऑफ पंचायती राज. तो ये रेपिटेशन ही है क्वेश्चन के 57. ध्यान से देखिए सी ऑप्शन को पिकअप करने की कोशिश कीजिए. सर तो फिर सेम क्वेश्चन आ गया. हाँ बिल्कुल 58. द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रेफर्स टू. C, 59. Which one of the following is incorrect in respect of local government in India? सर फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया. रेपिटेशन में गलत है, गलत है. बी भी गलत है, सी भी गलत है. अगे चलो जी. व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ इन द गवर्नेंस. ये भी मुझे द्वारा आया लगता है. हाँ जी सर, थ्री टायर. तो नेक्स्ट पंचायती राज वर्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड राजस्थान. राजस्थान अक्टूबर. ये भी मुझे लगता है दूसरी बार आ गया. तो इसके इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेट अप इन. एनीबडी एल्स. मैड्रास. मैड्रास करेक्ट है कि गलत है. हाँ जी सर मद्रास. मद्रास इज करेक्ट. 65th. अंडर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स Who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both? 65th. Sir, State Forest Department. No. Gram Sabha. Bilkul. Gram. Bilkul Gram Sabha. Gram Sabha. पहला स्टेट जिहड़ा तुसी कह रहे हो ना खुशी पहला स्टेट गवर्नमेंट करती सी ओदे करके नक्सलाइट मूवमेंट चली है क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट वाले अफसर शहरां शूरां दे हुंदे सी पिंडां दा कुछ पता नहीं सी हुंदा पिंड मतलब कि ट्राइबल्स नूं बंदे नहीं सी समझदे नाइदर दे ट्राई टू नॉर दे वर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स. सो द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द पीपल हू आर वेरी मच नियरर टू देम लोकल पीपल व्हिच फॉर्म्स ग्राम सभा. 66. The government enacted the Panchayat Extension to Scheduled Areas PISA in NA. Which one of the following is not identified as its objective? Last question. Sir, C option. Sir, C option. Sir,
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਡੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ABC ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਬਟ ਡੀ ਇਜ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਅਪ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬਟ ਇਟ ਆਲਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੀ. ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੋਜ਼ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ. ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹਮਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ. ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਮਤ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜੋ ਉਨਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ. ਤੋ ਯੇ ਸਭੀ ਦੇਵਰ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ. ਤੋ ਜਬ ਇਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨੈਕਟਿਡ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ, ਜਬ ਇਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਆ, ਤੋ ਉਸਕਾ ਪਰਪਸ ਯੇ ਥਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੋ ਉਨਕੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਕੌਨ ਕੌਨ ਸੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਗੋ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸਰ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਫੀਸਰ ਆਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਤੋ ਏਕ ਵਾਰ ਹਾਥ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਗ ਜਾਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਕੋ. ਤੋ ਜੋ ਲੋਗ ਉਨਕੇ ਬੀਚ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਵੋ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਤੀ ਹੈ. ਤੋ ਇਸਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ यही ऑप्शन बनती है इसके हिसाब से, जो हमारे पास डी ही बनती है. इसी के साथ जो हमने जो मेन क्वेश्चंस करने थे वो हमने कर लिए.